गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है जीन रेगुलेशन इन यू तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग हमारे एनसीआर में भी जीन रेगुलेशन इन प्रो के बारे में पढ़ते हैं और उसमें हमने पढ़ा हुआ है इंड्यूसिबल ऑपरॉन देन रिप्रेसिबल ऑपरॉन और हमने लैक ऑपरॉन ट्रिप्टोफेन ऑपरॉन उसके अंदर पढ़ा हुआ है बेसिकली बट कहीं ना कहीं हम लोग जीन रेगुलेशन इन यू की बात नहीं करते हैं विच इज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट टॉपिक जो कि जिसको मोस्टली uh, जाता है इस टॉपिक को, तो तो जीन जीन रेगुलेशन रेगुलेशन जो जो है, है, तो uh, e के अंदर होती है, that was given by and Davidson. और उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है ब्रिटेन एंड डेविडसन मॉडल और जीन बैटरी मॉडल फॉर यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तो ये मॉडल जो है नाइनटीन के अंदर दिया गया था और इसको इलेबोरेट किया गया था नाइनटीन के अंदर इन यू कैरियोट फंक्शनली रिलेटेड जीन मे नॉट बी क्लस्टर्ड टूगेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑपरेंट जैसे आपने प्रो कैरियो के अंदर पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं मतलब जो आपके ऑपर के अंदर जो चार जीन्स होते हैं बेसिकली वो सारे के सारे एक साथ प्रेजेंट होते हैं एक साथ ही वो प्रेजेंट होते हैं बट यू कैर में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता वो एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते फंक्शनली रिलेटेड जीन मे नॉट भी क्लस्टर्ड टूगेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग तो ये ऐसा होना हर बार जरूरी नहीं है तो यहाँ पर जैसे कि आपने वहां पर पढ़ा हुआ है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन जब हम ऑपरन वहां पर यू के अंदर पढ़ते हैं जैसे कि हम अगर ट्रिप्टोफैन या लैक ऑपरन की ही बात कर लें तो उसमें हम स के बारे में पढ़ते हैं फोर जींस होते हैं बेसिकली एक रेगुलेटर जीन होता है ऑपरॉन के अंदर एक ऑपरेटर जीन होता है एक प्रमोटर जीन होता है और एक स्ट्रक्चरल जीन होता है ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक ऑपरॉन की तो रेगुलेटर जीन ऑपरेटर जीन प्रमोटर जीन स्ट्रक्चरल जीन इन सभी के फंक्शन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले से ही बट इसको प्रोकैरियोटिक ऑपरॉन को हम कंपेयर करना चाहेंगे यूकैरियोटिक ऑपरॉन के साथ तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यूकैरियोटिक के ऑपरॉन में जो जीन्स होते हैं जो फंक्शनली रिलेटेड होते हैं जो एक ऑपरेंट की तरह काम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक साथ प्रेजेंट हो तो यहां पर एंड डेविडसन मॉडल के अकॉर्डिंग यहां पर भी जीन्स फोर ही तरह के होंगे फर्स्ट होगा आपका प्रोड्यूसर जीन इस प्रोड्यूसर जीन को कंपेयर किया गया है किससे इट इज

रिसेप्टर जीन कह लो आप इसको तो रिसेप्टर जीन जो यहां पर है इट इज कंपेरेबल टू तो इट इज वंस अगेन कंपेरेबल टू ऑपरेटर जीन ऑपरेटर जीन Of prokaryotic operon. तो आप ये समझ पा रहे होंगे आप रिलिट कर पा रहे होंगे कि क्या क्या डिफरेंस ऑपरॉन ऑपरॉन और के अंदर होते हैं ये भी आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे और देन इंटीग्रेटर जीन थर्ड जो हमारा जीन है दैट इज ने इंटीग्रेटर जीन तो इंटीग्रेटर जीन जो है हमारा it is comparable to it is comparable to regulator gene जो आपने पढ़ा था regulator gene of prokaryotic operon ठीक है then fourth हमारा जो है that is sensor site तो sensor site जो है ये basically करती क्या है इट रेगुलेट सेंसर जीन के एलोस्कॉप इट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ इट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटर जीन इंटीग्रेटर जीन इट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ इंटरग्रेटर जीन और इंटीग्रेटर जीन तभी ट्रांसक्रिप्शन शो कर सकता है जब सेंसर साइट एक्टिवेट हो सेंसर जीन एक्टिवेट हो Integrated, integrated gene which can be which can be transcribed transcribed only when sensor site is activated when sensor site is activated और ये जो सेंसर साइट है ये बहुत ही साइट होती है बेसिकली तो मतलब जो हमारी सेंसर साइट है ना वो एक्टिवेट कैसे होती है पहली बात ये भी एक सवाल उठता है तो ये सेंसर साइट जो होती है इट इज एक्टिवेटेड बाय दिस इज वन ऑफ ऑफ द मोस्ट लाइन दिस टॉपिक इट इज एक्टिवेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आप लोगों ने पढ़े ही हुए हैं यू कैरियॉर्ट के अंदर तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइक हारमोन्स ये जो हमारा लास्ट चैप्टर था इलेवेंथ क्लास का केमिकल कोऑर्डिनेशन उसमें जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हम पढ़ते हैं जैसे स्टीरोड हार्मोन किससे बाइंड करता था आपके डीएनए के साथ तो ये जो हार्मोन्स हैं और ये जो आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल यहाँ प्ले करते हैं तो जब ये इस जीन से बाइंड करेंगे तो ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा और ये जीन जो है वो एक्टिवेट करेगा फिर आपके इंटे आपके इंटीग्रेटर जीन को आपको पता है कि इंटीग्रेटर जीन एक रेगुलेटर जीन की तरह काम करता है और रेगुलेटर जीन ही बाकी सारे जीन्स को कंट्रोल करता है इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको बताता हूँ देखिए कि जो इसको हम जीन बैटरी मॉडल भी बोल रहे हैं है। देखो इस मॉडल को हमने जीन बैटरी मॉडल भी कहा है तो ए सेट ऑफ ए सेट ऑफ to so a set of structural gene controlled by one sensor site one sensor site is termed as battery is termed as बैटरी तभी इसको हम जीन बैटरी मॉडल बोलते हैं इसीलिए हम इसको जीन बैटरी मॉडल बोलते हैं क्योंकि सेंसर साइट ही स्ट्रक्चरल जीन को स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे कौन है प्रोड्यूसर जीन बट अब ये याद रखिए कि जो आपका ये रेगुलेटर जीन है ये रेगुलेट करता है एक्चुअली बट रेगुलेटर जीन को कौन यहां पे मतलब रेगुलेटर जीन यहां पर कौन है इंटीग्रेटर जीन उसको कौन कंट्रोल कर रहा है यहां पर सेंसर साइट तो जो आपका इंटीग्रेटर जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है सेंसर साइट सेंसर जीन तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सेंसर जीन है और उसी को हम बैटरी कहते हैं इसीलिए इसको हम जीन बैटरी मॉडल भी कहते हैं तो आइए इसको हम और तरह डायग्नोटिकली समझते हैं यहाँ पर कि कैसे ये मॉडल काम करता है तो ये जो आपका यहां पर ये यह जीन्स है देखिए तो जैसे कि हमने कहा कि यू केरोट्स में ये सारे जीन्स इकट्ठे प्रेजेंट हो एक साथ प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं होता तो ये आपकी यहां से लेकर यहां तक ये क्या है सेंसर 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 साइट साइट है दिस इज योर या जीन कह लीजिए आप तो सेंसर जीन के ऊपर अभी हाँ हमने पढ़ा कि हार्मोन बाइंड करता है हार्मोन या कोई भी अदर प्रोटीन जो है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो काम करेगा और यहाँ पे बाइंड करेगा तो आप सपोज कीजिए आपका ये हार्मोन है तो हार्मोन से बाइंड करने के लिए यहां पर एक स्पेशल साइट होती है सेंसर जीन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं एच आर ई एच आर ई मतलब हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट एच आर ई ठीक है तो जैसे ही इसे बाइंड करेगा तो सेंसर जीन क्या करेगा सेंसर जीन इंटीग्रेटर सेंसर जीन एक्टिवेट हो जाएगा और इंटीग्रेटर तो जीन तो जैसे ही सेंसर जीन एक्टिवेट होगा ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइक हार्मोन एट एच आर ई तो उसके बाद इंटीग्रेटर जीन जो जिसको हम रेगुलेटर जीन से कंपेयर कर रहे हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएगा तो जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक आरएनए बनाता है जिसका नाम होता है एक्टिवेटर आरएनए और देन ये जो एक्टिवेटर है ये क्या करेगा देखिए ये भी हमें समझना होगा तो अभी जो बाकी जो दो जीन बच गए हैं इस यूकेरटिक ऑपरॉन के अंदर उसमें हमने देखिए यहां पे शुरू में पढ़ा था रिसेप्टर साइट रिसेप्टर जीन कह लीजिए आप जिसको हमने कंपेयर किया था ऑपरेटर जीन से तो ऑपरेटर जीन हमने पढ़ा हुआ है कहां पर यूकैरियोट्स के, के अंदर पढ़ा हुआ है तो ये रिसेप्टर जीन है आपका तो ये जो एक्टिवेटर आरएनए है ये जहां के कहां पे बाइंड करेगा आपके रिसेप्टर जीन पे तो रिसेप्टर जीन का यहां पे काम क्या होता है और ये बिल्कुल प्रोड्यूसर जीन के साथ प्रेजेंट होता है और आपको पता है कि जो रिसेप्टर जीन ऑपरेटर जीन जो होता है आपका ये बेसिकली एक तरह से बैक्टीरिया के ऑपरेटर जीन से बाइंड करता है ऑपरेटर जीन से कंपेयर करते हैं इसको तो ऑपरेटर जीन जो होता है वो क्या करता है बेसिकली ऑपरेट करता है तो ऑपरेट का बेसिकली अपने जी रेगुलेटर जीन जब आपने पढ़ा था यूट प्रो के अंदर तो रेगुलेटर जीन एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता था लैक के अंदर जो कि बाइंड करता था जाके किससे से से तो ऑपेरॉन के ऊपर जब रिप्रेसर वो मॉलिक्यूल बाइंड करता था तो आर जो मॉलिक्यूल है वो आपके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता था बट क्योंकि पर एक्टिवेटर यहां पे प्रोड्यूस हो गया है तो आर एन ए यहाँ पे बाइंड कर लेगा और आर एन क्योंकि यहाँ पे बाइंड कर सकता है इस रिसेप्टर जीन पे जिसको हम ऑपरेटर जीन से कंपेयर कर रहे हैं सो so नाउ इसके जस्ट आगे स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है तो स्ट्रक्चरल जीन जो कि एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन जो कि फंक्शनल प्रोटीन बनाने में जिसका मेन रोल होता है तो अब स्ट्रक्चर जिनकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है क्योंकि ये जो RNA polymerase है, ये जो है अब यहां से आगे जाएगा और स्ट्रक्चर जिनकी क्या करेगा ट्रांसक्रिप्शन करेगा बेसिकली तो अब स्ट्रक्चरल जिन क्या कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है तो, तो इसके लिए आपने देखा कि सबसे मेन काम सेंसर जीन का है सेंसर जीन ने ही ये सारी प्रोसेस शुरू की उसने ही सबसे पहले हार्मोन हार्मोन से उसने बाइंड किया जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह रोल यहाँ पे प्ले कर रहा था और फिर उस जाके उसने इंटीग्रेटर जीन को एक्टिवेट किया इंटीग्रेटर जीन ने एक्टिवेटर को प्रोड्यूस किया और उसके बाद रिसेप्टर जीन भी एक्टिवेट हो गया और उसने आर एन को के साथ वो बाइंड किया और आरएनए एन फिर आगे मूव करता है स्ट्रक्चर जीन की तरफ और स्ट्रक्चर जीन अब ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन करके वो क्या प्रोड्यूस करेगा मैसेजर आर मतलब यहां पर हम स्ट्रक्चर जीन तो नहीं बोलते हैं जीन को हमने में क्या नाम बताया था प्रोड्यूसर जीन तो बेसिकली एक तरह से हम यहाँ पे इसको स्ट्रक्चरल जीन ना लिख कर क्या लिख सकते हैं प्रोड्यूसर जीन लिख सकते हैं तो प्रोड्यूसर जीन इज कंपेरेबल टू स्ट्रक्चरल जीन तो ये मैसेजर आर एन ए आपका यहां पे बना रहा है और मैसेंजर ने फिर ये आगे चलते क्या बनाएगा प्रोटीन जो भी बॉडी को चाहिए सो दिस इज इज हाउ तो यहाँ पर जो सेंसर जीन है इट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस ऑपरॉन और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो चारों जीन है यहाँ पर एक दूसरे से दूर है सेंसर जीन और इंटरग्रेटर जीन इज नॉट जॉइड विद रिसेप्टर जीन एंड प्रोड्यूसर जीन दे आर फार अवे फ्रॉम दैम बट स्टिल दे आर बिहेविंग एज ऑपरॉन

तो आप उसको भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा सो थैंक यू वेरी मच